चिकन खाना किसे पसंद नहीं है। चिकन जो रहता है ना मैक्सिमम लोगों का फेवरेट रहता है, और जो नॉन वेजिटेरियन है उसका तो एक बहुत फेवरेट रेसिपी रहता है। तो उसी चिकन की रेसिपी में आज हम बनाने वाले हैं हांडी चिकन। बहुत इजी रेसिपी है, एक बार आप देख लोगे ना तो बहुत इजी तरीके से बना लोगे। हमें करना कुछ नहीं है, चिकन को एकदम अच्छी तरीके से मसाले वसाले प्याज व्याज भून कर इसे मिक्स करके रख देना है, वो अपने आप अपने भाप दम पे बन जाता है ये चिकन। तो अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी होगी तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। तो चलिए देख लेते हैं हांडी चिकन किस तरह से बनाया जाएगा। तो हांडी चिकन बनाने के लिए इधर मैंने ले लिया है आधा किलो चिकन। चिकन देख सकते हो मैंने एकदम अच्छी तरीके से नमक और हल्दी डालकर धो लिया है। तो ये देखिए मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चिकन मैंने धो दिया था, आपको पहले ही बता दिया हूँ। तो क्या करेंगे आप, हम इसे थोड़ी देर तक मैरिनेट करके रख देंगे। तो हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देंगे, यानी अपने मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। मैंने इधर 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाला है। तो मैंने बोल दिया है आपको, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिए। थोड़ा थोड़ा ही मसाला हमें डालना है क्योंकि हम आगे भी जाके भी मसाले ऐड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कवर करके मैरिनेट करने के लिए लगभग आधा घंटा तक छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम ना हो तो 5 मिनट भी छोड़ सकते हो। तो इसे एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब हम इसे कवर कर देंगे। तो आप चाहे तो इसमें कर्ड भी ऐड कर सकते हो, मैंने कर्ड ऐड नहीं किया है। तो इधर मैंने प्याज को जो है ना लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। और लहसुन की कली मैंने ज़्यादा मात्रा में इधर यूज़ की है, आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। लेकिन लहसुन की कली जो है ना चिकन करी में बहुत अच्छा फ्लेवर लाएगी हांडी चिकन में अपने। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए कुकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने इधर हांडी जो देख सकते हो आप, वो गर्म होने के लिए डाल दिया है, और उसमें मैंने डाला है 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल का इसमें ज़रा ज़्यादा प्रमाण में यूज़ होता है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम अपने सारे चिकन के पीसेस जो रहेंगे ना सबसे पहले डाल देंगे। तो हमें सबसे पहले चिकन को जो है ना हल्का सा भून लेना है, ऑयल में हमें इसे अब भूनना है, इसलिए मैंने चिकन ऑयल में डाला। तो अब प्याज जो रहेगा ना हम बाद में ऐड करेंगे। तो चिकन को हम थोड़ी देर तक एकदम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुका है, हमारा चिकन एकदम अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने प्याज वगैरह सब इसमें ऐड कर देंगे। तो सारे चीज़ हम जो रहेंगे ना, हमारी थिंग्स इंग्रेडिएंट्स जो रहेंगे वो इसी टाइम पे ऐड कर देंगे। तो मैंने प्याज डाल दिया है, 2 प्याज लिया था मैंने, 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। तो 2 प्याज मैंने लंबे टुकड़े में कट किया, तो उसे हमने डाल दिया है, और बाकी का हमने पेस्ट बना लिया है। तो इधर मैंने पेस्ट बना लिया है प्याज लहसुन अदरक का। तो पेस्ट बनाने के बाद हम डाल देंगे इसमें। तो इधर मैंने खड़े मसाले अभी ऐड किए, मैं स्टार्टिंग में डालना भूल गया हूँ, आप इसमें डाल दीजिएगा। तो खड़े मसाले में हमने इधर यूज़ किया है लौंग, काली मरीच, छोटी इलायची, तेज़पत्ता। डालने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट। डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपने सारे स्पाइसेस। तो मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे जो आपका करी का कलर रहेगा ना बहुत अच्छा आएगा, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। आप चाहे तो गरम मसाला स्किप करके चिकन मसाला भी डाल सकते हो, और स्वाद अनुसार नमक। तो ध्यान दीजिएगा आप, स्टार्टिंग में भी हमने सॉल्ट ऐड किया था, तो आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट ऐड करिएगा। तो अब हम इसे एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कवर करके रख देंगे। तो इसे कवर कर देंगे और छोड़ देंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए लगभग 15 मिनट बाद मैंने हांडी को खोला है, तो ये एक बार चला लेंगे एकदम अच्छी तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हो तेल एकदम अच्छी तरीके से ऊपर आ चुका है, यानी हमारा जो चिकन है ना वो एकदम अच्छी तरीके से पक गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कवर करके और 15 मिनट तक रख देंगे। तो 15 मिनट हो चुका है, ये देखिए हमारा चिकन जो है एकदम अच्छी तरीके से पक गया है। तेल देख सकते हो आप कितना अच्छी तरीके से ऊपर आ गया है, इससे जो पता चलता है हमारा मसाला एकदम अच्छी तरह से पक गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो आप चाहे तो इसमें करी भी ऐड कर सकते हो, पानी एक्स्ट्रा डाल के करी भी बना सकते हो। पानी नहीं डाला है क्योंकि हांडी चिकन जो रहता है ना वो इसी तरीके से बनता है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पानीदार। तो इसे मैंने देख सकते हो आप, इसे कवर कर दिया था 2 मिनट तक, और हमारा चिकन है एकदम अच्छी तरह से पक जाए।
ये देखिए हमारा टेस्टी टेस्टी चिकन करी बनकर एकदम अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो घर से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारा चिकन जो है कितने अच्छी तरीके से बन गया है ना, एकदम हांडी चिकन जैसे बनाया है हमने। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इसी तरीके की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगी कि आपने घर पे ट्राई की कि नहीं। अगर और रेसिपी चाहिए किसी तरीके की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, मैं ट्राई करूँगा उस रेसिपी को ट्राई करने का। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए बिना ना जाए, इससे तो हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन देंगे ना आप तक सबसे पहले आ जाएंगे।